आप जानते हैं कि हमारे देश की कितनी महिमा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया है, उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। राजा हरिश्चंद की कथा किसे नहीं मालूम, उन्होंने सत्य के लिए अपना राज्य भी दे दिया। कहा भी गया है कि सत्य के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन केवल सच बोलने से ही आदर्श का पालन नहीं होता। हमें सच की खोज करनी चाहिए और चाहे वह अप्रिय क्यों न हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम विचार करें तो हमें मालूम होगा कि संसार की उन्नति सत्य के सहारे ही हुई है। पहले आदमी प्रकृति की शक्तियों को ठीक ठीक समझते न थे, वे नाना रूप में उनको देखते थे। उनका विचार था कि इनमें भूत प्रेत रहते हैं, इसी कारण वे उनसे डराया करते थे और तरह तरह की पूजा से उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। जब तक यह हालात रहे, इंसान इन शक्तियों के भेद को न जान सका और इसलिए उनसे लाभ न उठा सका। और जब कुछ लोगों ने इस भेद को जाना और सत्य की घोषणा की, तब इनका समाज ने विरोध किया और किसी न किसी की हत्या की। आज प्रकृति की इन शक्तियों को हमने अपने वश में कर लिया है और हम इनसे अपना काम लेते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और जीवन को सुखी बना सकते हैं, लेकिन विज्ञान को सुगमता से विजय नहीं मिली है। एक लंबे अरसे तक उसे स्थिर स्वार्थों से लड़ना पड़ा है। यूरोप का इतिहास इसकी सत्यता को सिद्ध करता है। प्रचलित विश्वास का जिसने विरोध किया वही सताया गया। किसी को आग में जला दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। इतिहास में कई ऐसे भी क्षण आए जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, और इसका नतीजा केवल यही हुआ कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक गई। बार बार इतिहास ने यही बताया है कि जब जब सत्य का स्थिर स्वार्थ से विरोध हुआ है, तब तब अधिकारियों ने उसका विरोध किया है। जिनके हाथ में शक्ति है, वह ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते जिससे उन्हें आघात पहुंचे। सत्य की बार बार हार हुई है और जब जब ऐसा हुआ है, तब तब संसार में अंधकार का युग आया है और तरक्की में रुकावट हुई है, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई है। विज्ञान के विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे थे, इनमें भी अनेक बाधाएं पड़ी और कितने शहीद हुए। धीरे धीरे विज्ञान समाज के इतिहास का अध्ययन करने लगा। समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई, इस पर उसने प्रकाश डालना शुरू किया। उसने हमारे जमे हुए विश्वासों को हिला दिया और विश्वास के स्थान पर संदेह पैदा किया। उसकी रोशनी में हमारी पुरानी धारणाएं नष्ट होने लगी। इससे हमारे दिलों में डर पैदा होने लगा और सत्य को अपनाने का हम में साहस ना हुआ। विज्ञान ने धीरे धीरे जायदाद के संबंधों की छानबीन की और हमें समाज के वर्तमान भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और बेकारी के कारणों को बताया। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमें अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जिनके पास संपत्ति और अधिकार हैं, वे अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते, और जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होती, विज्ञान अपना काम सफलता से नहीं कर सकता। हम एक मिसाल यहाँ देंगे। हम सब जानते हैं कि कल कारखानों के उद्योग व्यवसाय की तरक्की विज्ञान की मदद से हुई। आज अमेरिका की अथाह दौलत विज्ञान की बदौलत है, लेकिन अब अवस्था ऐसी आ गई है कि विज्ञान से वह मदद नहीं ली जाती जो पहले ली गई थी। सन 1929 में संसार में मंदी हुई थी, हमारे देश पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ा था। गल्ला बहुत सस्ता हो गया था और दूसरी चीजें भी काफी सस्ती थीं। कारण ये था कि बास चीजों की पैदावार आवश्यकता से अधिक कहीं ज्यादा हो गई थी। कीमतों के गिर जाने से उद्योगपतियों को बड़ा घाटा हो रहा था। कभी कभी लागत के दाम भी नहीं आते थे।
अमेरिका में खेत के खेत जला दिए गए थे जिससे कीमतें बढ़ें। विज्ञान ने कीमत को सस्ता करने के जो नए उपाय निकाले थे उनसे इसलिए काम नहीं लिया गया था कि इससे मुनाफा कम हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चोर बाजारी है, थोड़े से लोग माल हाथ में रोक कर दामों को जितना बढ़ा देते हैं। अगर इनमें सत्यता हो तो ये समाज का अपकार ना करे, लेकिन स्वार्थ इनको अनीति की ओर ले जाता है। नतीजा यही है कि सत्य सचमुच एक तप है। जो सत्य के आदर्श को मानता है वह सदा सत्य की खोज करता रहेगा, और चाहे वह कितना कड़वा क्यों ना हो, चाहे उसके पुराने विचारों और विश्वासों को उससे कितनी ही चोट क्यों ना पहुंचे, वो साहस के साथ और स्थिर स्वार्थों की परवाह ना करके सत्य को ही ग्रहण करेगा। सच और झूठ की लड़ाई बराबर चलती रहती है, और चाहे सत्य कभी हार जाए, अंत में जीत उसके हाथ ही रहती है। आज मानो हम जैसे सत्य और अहिंसा के आदर्शों को भूले हुए हैं और उसकी प्रतिष्ठा के लिए कोशिश करते हैं। हिंसा का तो मानो बोलबाला ही है। आज आपस में कितना बैर, कितनी घृणा, कितना विद्वेष है। सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है। राष्ट्रों के गुट बन रहे हैं, सभ्यता को बर्बाद करने वाले अस्त्र तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस निराशा में भी आशा की एक क्षीण रेखा है। गीता में कहा गया है कि थोड़ा भी धर्म बहुत बड़े भय से हमें बचाता है। थोड़े से लोग ही सत्य के लिए आत्म बलिदान करते हैं, और जब तक ये है हम में निराश होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य गिर गिर कर उठता है, यही उसका बड़प्पन है। ईसा और गांधी ऐसे लोग उंगली पर गिने जाने लायक हैं, लेकिन इन्होंने सत्य और प्रेम के बल से संसार में एक नया युग ही उपस्थित कर दिया। ईसा को सूली पर चलना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी, किंतु इस बलिदान ने संसार को हिला दिया। रोम का साम्राज्य ना रहा, लेकिन ईसाई धर्म आज भी जीवित है। ईसाई धर्म ने बर्बर जाति के लोगों को भी पालतू बनाया और उन्हें दया धर्म की शिक्षा दी। ईसा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने सोचा था कि ईसा का संदेश जगत से उठ जाएगा, पर सत्य अत्याचार से और प्रचारित होता है। ईसा को शहीद हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ईसा का पैगाम हमारे दिलों पर असर करता है और उनके मानने वालों की संख्या में कमी नहीं होती। गांधी जी ने जिंदगी भर सत्य के प्रयोग किए, उन्हें सत्य का बड़ा आग्रह था, इसी से उनका बड़ा प्रभाव था। उनकी वाणी और आचरण में कोई अंतर ना था, जो कहते थे वह करते थे। सत्य के मानने से कभी घबराते ना थे, इसलिए लाखों नरनारी उनके पीछे चलते थे। उनके पास कोई दूसरी शक्ति ना थी, सत्य की शक्ति ने ही ब्रिटिश राज को हिला दिया था और अंत में उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी आज भी जिंदा हैं। वे पुकार पुकार कर कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के आदर्श पर चलो, आपस में प्रेम करो, सत्य कितना ही अप्रिय क्यों ना हो उसे ग्रहण करो। उनके भाषण का असर जादू सा होता था। वे कोई बड़े वक्ता ना थे, लेकिन उनके सत्य की व्याख्या व्यापक थी। वे केवल अहिंसा का ही उपदेश नहीं देते थे, किंतु हिंसा के कारणों पर भी विचार करते थे और उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। आज संसार को उनकी शिक्षा की कितनी जरूरत है। जब तक हम सत्य की महिमा को नहीं समझेंगे और तरह तरह के कष्ट उठाकर भी उस रास्ते पर न चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। निर्भय होकर सत्य की प्रतिष्ठा कीजिए, आपस में समानता और प्रेम का व्यवहार कीजिए और सांप्रदायिकता से ऊपर उठिए।